आई एम गोइंग टू स्टार्ट जेनेटिक्स नाउ, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है एंड इट इज़ ए यूनिट सेकेंड ऑफ क्लास 12, जिसमें वी विल बी स्टडिंग थ्री चैप्टर्स मेनली. देयर विल बी थ्री चैप्टर्स, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन. टोटल वॉट एवर पार्ट विल बी देयर, वी विल बी स्टडिंग दैम इन डिटेल. बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स को इसका इंतजार था एंड दे वर ऑल ऑल्सो आस्किंग अबाउट दी कि वैन यू आर गोइंग टू स्टार्ट जेनेटिक्स. कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण इसको ठीक टाइम पे स्टार्ट नहीं किया जा सका. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. लेकिन अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फिर से एंड वी विल बी डूइंग इट वेरी फास्टली. एकदम इसको फास्टली भी करेंगे और डिटेल में भी करेंगे. जैसे कि जेनेटिक्स बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है एंड इट इज़ सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स ऑल्सो. सिंपल कैसे है कि अगर इसको हम अच्छे से समझ लें तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर इसको हम टॉपिक को बिना समझे ही एज ए रटने की कोशिश करेंगे या ऐसे ही लर्न करने की कोशिश करेंगे देन इट विल बी ए कॉम्प्लेक्स वन. तो वी विल बी स्टार्टिंग विद इन ए वेरी सिंपल मैनर. जेनेटिक्स को हम बहुत सिंपल वे में लर्न करेंगे, देखेंगे. और जैसा कि मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें जो लास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड, दे आर वेरी सिंपल एंड दे आर डायरेक्टली कम फ्रॉम एनसीईआरटी. कि डायरेक्टली उनको एनसीईआरटी बेस्ड, कि अगर बच्चे को एक बेसिक जेनेटिक्स क्लियर है तो डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से ही लिए गए हैं, ठीक है. लेकिन अगर हम उससे भी पहले 3-4 ईयर्स की बात करते हैं, यानी कि 5-6 ईयर्स बैक, तो इफ़ वी टॉक अबाउट, अगर हम देखें जेनेटिक्स के क्वेश्चन, तो वी विल सी देयर आर सम ट्रिकी क्वेश्चंस एंड सम क्वेश्चंस दैट आर बियॉन्ड एनसीईआरटी हैव आल्सो कम, कि वो आए हुए हैं. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उसको थोड़ा सा इलाबरेट करें और थोड़ा सा इसको हम आउट ऑफ दी सिलेबस जाकर भी इसको टच करें, सो दैट ईच एंड एवरी थिंग इज़ क्लियर टू यू. तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है. तो साथ साथ हम इसके क्वेश्चंस भी कुछ एमसीक्यूज जो हैं साथ में ही सॉल्व करते जाएंगे विद ईच टॉपिक, क्योंकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जेनेटिक्स में, क्लियर. तो वी आर स्टार्टिंग विद जेनेटिक्स नाउ. जेनेटिक्स एज यू आर वेरी मच फेमिलियर विद, कि आपने स्टार्टिंग में 10th से तो पढ़ा ही होगा कि जेनेटिक्स क्या होता है. तो इट इज़ ऑल रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस और ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, ठीक है. जैसे कि यू मस्ट हैव ऑल सीन कि इफ़ वी हैव सीन द एलिफेंट, एलिफेंट्स को देखते हैं, एन एलिफेंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस एलिफेंट बेबी. कि क्या करता है एलिफेंट, ऑलवेज एलिफेंट बेबी ही प्रोड्यूस करता है एंड नॉट अनदर स्पीशीज. और इन द सेम वे इफ़ वी सो द सीड ऑफ ए मैंगो इन ए फॉरेस्ट और इन ए गार्डन, वेयर एवर वी सो दैम, और कहीं पे भी हम जैसे कि फार्म हाउसेज में लगाते हैं कोई भी पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़, मैंगो छोड़ लें या हम कोई दूसरी स्पीशीज़ ले लें, राइस लगाएंगे तो राइस विल बी प्रोड्यूस्ड. एंड इफ़ वी हैव सोन दी मैंगो सीड्स देन वॉट वी विल बी गेटिंग, डेफिनेटली वी विल बी गेटिंग दी मैंगो प्लांट्स. तो वॉट डज दिस मीन, दैट मीन्स दी ईच एंड एवरी जनरेशन इज़ प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन दैट इज़ सिमिलर टू इट्स प्रीवियस जनरेशन. कि कोई भी एक जनरेशन ले लें स्पीशीज़ की, वो अपनी ही जैसे दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस करती है. कहने का मतलब क्या है, लाइक बिगेट्स लाइक इंडिकेट्स द हेरिडिटी. क्या कहते हैं, हेरिडिटी कैसे इंडिकेट की जाती है, लाइक बिगेट्स लाइक. यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है. तो वी विल बी स्टडिंग जेनेटिक्स एज ए प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. कि जेनेटिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कि हेरिडिटी क्या होती है दैट वी विल बी स्टडिंग अंडर जेनेटिक्स, एंड उसके कारण वट आर वेरियस वेरिएशंस दैट आर ऑकरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, दैट वी विल बी ऑल्सो स्टडिंग अंडर दी जेनेटिक्स. सो देयर वॉज ए साइंटिस्ट हुज नेम वॉज विलियम बैटिसन. ही कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स इज ए ग्रीक वर्ड. ये कौन सा वर्ड है, इट इज़ ए ग्रीक वर्ड मीन्स टू जेनरेट. और विलियम बैटिसन ने सबसे पहले इसको दिया था 1905 में. Although genetics was also started before
बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि 1905 से भी पहले, आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. हम मेंडल्स के बारे में भी जानेंगे बाद में, क्योंकि होल ऑफ दिस चैप्टर इज बेसिकली बेस्ड ऑन मेंडल्स प्रिंसिपल, कि किस तरह से मेंडल्स ने प्रिंसिपल बनाए थे और जेनेटिक्स किस तरह से फॉलो करती है उन प्रिंसिपल को. ठीक है, वो तो हम बाद में स्टडी करेंगे. आई मीन टू से कि जेनेटिक्स को तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, सिंस द स्टार्टिंग ऑफ 1900, और उससे भी पहले जब हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, बिफोर सिविलाइजेशन, यानी कि ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ हिस्टोरिकल लिविंग जनरेशन, 8,000 to 10,000 BC ago. इतने साल के दौरान ही द पीपल वर देवर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स एंड इन वॉट मैनर दे आर मूविंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं और कैसे वो उन यूजफुल करेक्टर्स को सेलेक्ट करते थे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू learn the name of the scientist William Bateson, who was a British, and he coined the term genetics, that means to generate, and it was there in 1905. उससे पहले भी मेंडल्स के वर्क की रीडिस्कवरी के दौरान जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया जा चुका था या स्टडी किया जा रहा था. क्लियर, तो जेनेटिक्स मीन्स इज द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, heredity and variation. Genetics के दो main basics key point और क्या हैं, that we will be studying heredity is the main part of the genetics and how the variations occur in the offsprings when they move from one generation to the another generation. जब भी parents के आगे बच्चे होते हैं तो ऐसा क्यों होते हैं, सम ऑफ द चिल्ड्रन दे रिजेंबल वन पेरेंट एंड सम ऑफ द चिल्ड्रन रिजेंबल अनदर पेरेंट. ठीक है, कुछ मम्मी को फॉल सिस मिलते जुलते हैं, कुछ फादर से मिलते जुलते हैं. ठीक है, सब स्पीशीज की बात करें तो, और कुछ ऐसे होते हैं दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड दे रिजेंबल मोर विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं. तो अगर हम इन सब चीज़ों को सोचें तो एक बहुत कॉम्प्लिकेशन सी सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है कि किस तरह से करैक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कि करैक्टर्स अपने पेरेंट्स के बजाय उससे भी पहले की जनरेशन से मिलते जा रहे हैं. ठीक है, तो ऑल दैट वी विल बी स्टडिंग अंडर दी हेरिडिटी. ठीक है, तो हेरिडिटी इज़ अ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और वट इज़ इनहेरिटेंस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को हम समझ लें कि इक्विवेलेंट है. इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन करेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन generation to another generation, and this form the basis of heredity. जो inheritance है, it is a basis of heredity. And heredity क्या है, like begets like, यानी कि organisms क्या करते हैं, अपने ही जैसे organisms को produce करते हैं, कुछ ऐसे करेक्टर्स ट्रांसफ़र करके, यानी कि पेरेंट्स से जो करेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में जाते हैं. ठीक है, एंड व्हेन दिस प्रोसेस ऑकर्स देयर आर वेरिएशन दैट दे कम, कि उनमें क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं. एंड व्हाट आर वेरिएशंस, दीज आर द डिफरेंसेस शोन बाय इंडिविजुअल्स, डिफरेंसेस शोन बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम दियर पेरेंट्स, या हम कह लें सिबलिंग्स हम कह लें बच्चों को अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स के जो भी आगे नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको हम ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं, या हम उनको सिबलिंग्स भी कह सकते हैं, फ्रॉम दियर पेरेंट्स. सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन, एक ही पेरेंट्स के बच्चे. ठीक है, तो इस तरह से व्हाट आर वेरियस डिफरेंसेस,
किस तरह से वो डिफर करते हैं एंड दीज डिफरेंसेस दे आर ऑल कॉल्ड दी वेरिएशंस एंड दे ऑल्सो फॉर्म दी बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड बोथ ऑफ दीज स्टडीज टुगेदर आर स्टडीड टुगेदर अंडर दी जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के अंदर ही स्टडी किए जाते हैं एंड जेनेटिक्स इज ऑल्सो मीनिंग हैविंग स्टडी ऑफ जीन्स. तो करेक्टर्स जो हैं स्टडी जीन्स की फॉर्म में ही ट्रेवल करती हैं जो कि हम देखेंगे बाद में. ठीक है, स्टार्टिंग में तो जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस वक्त कुछ फैक्टर्स या कुछ मैटर कहा जाता था कि ट्रांसफ़र होते हैं जो हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स के दौरान. उस वक्त जीन्स स्टडी नहीं हुए थे तो मैटर कहा जाता था या पार्टिकल्स कहा जाता था या वट एवर वॉज देयर एक्सक्लूडिंग दी जीन्स. ठीक है, लेकिन अब हमें मालूम है कि जीन्स ही हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, कि करेक्टर्स जो भी हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स के फॉर्म में, और दैट इज़ वाई द स्टडी ऑफ जीन्स इज ऑल्सो कमिंग अंडर जेनेटिक्स. ठीक है, तो एक ब्रॉडर टर्म इंक्लूड होती है जेनेटिक्स के अंदर, दैट इज़ स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड स्टडी ऑफ वेरिएशन. ठीक है, हेरिडिटी मीन्स लाइक बिगेट लाइक्स, कि जो जैसे हैं उसके ही जैसे नेक्स्ट जनरेशन में ऑर्गेनिज़म्स आते हैं, चाहे उनमें सिमिलैरिटीज़ हों चाहे उनमें डिफरेंसेस. ठीक है, अब हम आते हैं वेरिएशंस पे. ये जो भी डिफरेंसेस होते हैं वेरिएशंस होती हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज़ सोमेटिक. सोमेटिक मीन्स जो बॉडी की सोमेटिक सेल्स में होती हैं. सोमेटिक सेल्स कौन सी हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं एक्सेप्ट दी रिप्रोडक्टिव पार्ट, दे आर ऑल कॉल्ड दी सोमेटिक सेल्स. ठीक है, एंड इफ द चेंजेस ऑकर्स इन द सोमेटिक सेल्स दे विल नेवर पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दे आर लिमिटेड टू वन जनरेशन ओनली. कि सोमेटिक वेरिएशंस जो हैं वो एक ही जनरेशन में लिमिटेड रहती हैं, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती. ठीक है, और इफ़ द वेरिएशंस ऑकर्स इन रिप्रोडक्टिव और जर्मिनल सेल्स दैट मीन्स दे विल डेफिनेटली पास टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मेन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन क्या है? इट इज़ ड्यू टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है मेन बेसिस किसका? वेरिएशन का. ठीक है, जो कि हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे. ठीक है, वेरिएशंस को भी आगे देखेंगे आने वाले टाइम में. और जेनेटिक्स इज अप्लाई टू ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, वॉट एवर स्पीशीज लिविंग बींग्स दे आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, उन सब में अप्लाई की जा सकती है जेनेटिक्स. द सेम बेसिक प्रिंसिपल्स दे आर फॉलोड इन ऑल ऑफ दी स्पीशीज, दैट इज़ वाई इट इज़ ए सेंट्रल पार्ट. जेनेटिक्स इज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑल साइंसेज, कि सब साइंसेज को भी इसको हम कोरिलेट करते हैं जेनेटिक्स. तो वी वर टॉकिंग अबाउट सोमेटिक वेरिएशंस, दे आर ड्यू टू सोमेटिक सेल्स. जब सोमेटिक सेल्स में आती हैं तो क्या कारण है, कैसे आती हैं? जैसे कि एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट में कुछ भी हीट, लाइट, टेम्परेचर, वाटर या न्यूट्रिशन का जो भी इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जिसके कारण एनवायरमेंटल वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर. ठीक है, एंड सेकेंड एक्वायर्ड करेक्टर्स, कि देयर आर सम कॉन्शियस यूज ऑफ मोर, देयर आर मोर यूज ऑफ ऑर्गन्स, दैट ऑर्गन्स बिकम मोर प्रोमिनेंट, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अनदर वर्ड दैट इज़ नॉट यूज. जो ऑर्गन्स यूज नहीं होते वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, तो जिसके कारण चेंजेस आ जाते हैं ऑर्गन्स में, ज़्यादा यूज़ वाले मॉडिफाई हो जाते हैं और जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते वो मॉडिफाई नहीं होते. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्वायर्ड करेक्टर. और उसके अलावा कॉन्शियस एफर्ट्स आर डन बाई इंटेलिजेंट पर्सन्स, जैसे बोरिंग ऑफ पिन्ना. ठीक है, दीज आर कॉन्शियस एफर्ट्स डन बाई फीमेल, ह्यूमन फीमेल, और यस इन एफर्ट टू बिकम थिन. ठीक है, एक एफर्ट होना, थिन होना, तो ऑल दीज आर वेरियस रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स दैट आर बींग डन बाई कॉन्शियस एफर्ट्स. कॉन्शियस एफर्ट्स के द्वारा किए जाते हैं एंड ऑल दे कम अंडर सोमैटिक. इसमें आते हैं सोमैटिक चेंजेस में आते हैं एंड दे आर लिमिटेड टू वन जनरेशन, ये कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते. तो इन सबको भी हम देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे रिगार्डिंग वेरियस थ्योरीज दैट वी हैव टू, जब भी वो आएंगी ड्यूरिंग दियर टॉपिक्स. एंड द सेकेंड वन इज वेरिएशंस के कारण
कि जर्मिनल रिप्रोडक्टिव वेरिएशंस कि वेरिएशंस आर ड्यू टू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हमें मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर सम प्रोसेसेस, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसके दौरान गैमीट्स बनते हैं, तो गैमीट फॉर्मेशन में भी क्या होती हैं, वेरिएशंस आती हैं. ठीक है, और इसके अलावा व्हाट हैपन्स कि जब गैमीट्स ज्वाइन करते हैं तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट चांस होता है, इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ असॉर्टमेंट होती है जिसके कारण वेरिएशंस के चांसेस आते हैं. कहने का मतलब है कि मेन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन किसके कारण है, दैट इज़ ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड ये वेरिएशंस कहाँ जाती हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पास होती हैं. ठीक है, और अगर हम इन जर्मिनल वेरिएशंस को देखें, दे मे बी कॉन्टीन्यूस, कुछ तो होती हैं ग्रेजुअल, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आती हैं. ठीक है, ग्रेजुअली दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, कि फ्लक्चुएट ऑसिलेट करती हैं स्टेप बाय स्टेप, मीन वेरिएशंस धीरे धीरे करती हुई एक जनरेशन से दूसरी से तीसरी में जाएंगी. तो दीज आर कॉन्टीन्यूस वेरिएशन, जो भी हम म्यूटेशंस में पढ़ेंगे. ठीक है, और डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशंस कौन सी होती हैं, दीज आर सडन चेंजेस, एकदम से ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, और सडन होते हैं, पर चांस होते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन. डिसकॉन्टीन्यूस होते हैं, ऐसे नहीं होता, और एकदम से लार्ज चेंजेस हो जाते हैं. तो ये भी क्या होती हैं, डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन, दे ऑकर. ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम टुगेदर दे कम अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही होती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन इज अ मेन क्राइटेरिया, एंड देयर फ्यूजन इज अ मेन क्राइटेरिया. ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन में क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होता है ड्यूरिंग दी रिडक्शनल डिवीजन और मियोटिक डिवीजन, दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा, तो हम वो फिर से रिपीट करेंगे जब भी ज़रूरत होगी. तो उस वक्त वेरिएशंस आती हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान. ठीक है, तो ये सब कारण हमारे वेरिएशंस के बनते हैं. एंड व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि सोमेटिक वेरिएशंस दे नेवर पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशंस आती हैं दे पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ वेरिएशन. ठीक है, तो दिस इज़ रिगार्डिंग दी हेरिडिटी वेरिएशंस एंड दी जेनेटिक्स. ठीक है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स और वेरिएशंस के कारण थे सिंस द स्टार्ट ऑफ दी प्री हिस्टोरिक टाइम से ही ह्यूम कॉन्शियस एफर्ट्स किए जाते रहे हैं ह्यूमन के द्वारा. जैसे कि हमें मालूम है व्हाटएवर जीन्स आर प्रेजेंट इन वाइल्ड, कुछ ऐसे जीन्स और मोस्ट कॉमन जीन्स होते हैं वाइल्ड में, मैक्सिमम वाइल्ड कंडीशन में, प्लांट्स के अंदर हो या एनिमल्स के अंदर. ठीक है, तो उनके अंदर जितने भी यूज़फुल जीन्स हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं, सम आर यूज़फुल एंड सम आर नॉट यूज़फुल. और स्टार्टिंग से ही मैन के एफर्ट रहे हैं कि यूज़फुल जीन्स को निकाल कर अपने लिए यूज़ करना. दैट इज़ वाई कॉन्स्टेंटली और सेलेक्टिवली वो उन जीन्स को सेलेक्ट करता चला आ रहा है और उनको डोमेस्टिकेट करता चला आ रहा है स्टार्टिंग से ही. ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक साहीवाल काओ इज़ ए रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन डन बाय मैन. कहाँ से लिए गए थे इसके जीन्स, फ्रॉम वाइल्ड काओ, कि वाइल्ड काओ कुछ ऐसी काउस थी दैट वर ऑल ओवर स्प्रेड ऑल ओवर, कि वो पूरी तरह से स्प्रेड थी और उनके जो कुछ जीन्स थे दैट वर वेरी कॉमन, कि कुछ कॉमन जीन्स थे तो एंड दीज वर यूज़फुल जीन्स, उनको यूज़फुल जीन्स को सेलेक्ट किया और उनको डोमेस्टिकेट किया एंड फेमस काओ साहीवाल वाज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितनी भी नई ब्रीड्स हैं आजकल, नई वराइटीज़ आ रही हैं, नई नई प्लांट्स की स्पीशीज आ रही हैं, ऑल दे आर ड्यू टू चेंजेस ऑफ देयर जीन्स, जीन्स के चेंज होने के कारण ही आ रही हैं. ठीक है, ऑल दो ये सब आज की डेट में तो जेनेटिक्स के मामलों में हमें मालूम ही है कि जीन्स आर फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक बेसिस वाज नॉट नोन टू द अर्ली मैन, कि अर्लियर साइंटिस्ट को या जितने भी बायोलॉजिस्ट हो इनके इसके बारे में कुछ, बहुत समय पहले की बात कर रहे हैं कि इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी. ठीक है, तो दिस इज़ रिगार्डिंग जेनेटिक्स. नाउ वी कम टू व्हाट आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स. ब्रांचेस कौन सी होती हैं जेनेटिक्स की, देयर आर थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स दैट वी विल बी स्टडिंग.
First of all, we start with one of the main prominent that we are going to study, that is a transmission genetics. Transmission genetics is an old genetics. क्या होता है ओल्ड जेनेटिक्स और हम इसको क्लासिकल जेनेटिक्स भी बोलते हैं जिसके अंदर हम मेंडल को पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे कि किस तरह से मेंडल्स ने फॉर्मुलेट किए थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल एंड इन व्हाट मैनर दे आर अप्लाइड टू ऑल ऑफ द लिविंग बींग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस कि इनहेरिटेंस के दौरान यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स के दौरान किस तरह से सब के सब मेंडल्स को ही फॉलो करते हैं मेंडल्स के ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन ट्रांसमिशन जेनेटिक्स और ओल्ड जेनेटिक्स और ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल जेनेटिक्स सेकेंड वी विल बी स्टडिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इसके दौरान हम पढ़ेंगे इन व्हाट मैनर जीन्स फंक्शंस कि जितने भी जीन्स हैं उनका मॉलिक्यूलर बेसिस या उनका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है किस तरह से ये जीन्स फंक्शनल है कैसे काम करते हैं व्हाट इज़ देयर मैकेनिज्म एंड इन व्हाट मैनर दीज जीन्स आर इंटर रिलेटेड मॉलिक्यूलर लेवल पे कि इनके मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर और कैसे वो फंक्शन करते हैं और उनका आपस में क्या इंटर रिलेशन है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स नेक्स्ट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि हमें मालूम है देयर आर डिफरेंट स्पीशीज हैविंग डिफरेंट पॉपुलेशंस एंड ऑल दे आर हैविंग डिफरेंट जीन्स एंड एलील्स इतनी ज़्यादा वाइड एलील्स और जीन्स हैं और हम देखें कि वेरिएशंस तो हमें वेरिएशन पॉपुलेशन में ही देखने को मिलेंगी नॉट इन ए सिंगल स्पीशीज और टू और थ्री स्पीशीज एक ही स्पीशीज की बहुत सारी नंबर होंगे जिसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे यानी कि अगर हम वेरिएशन को स्टडी करना चाहते हैं तो वी विल बी मोर स्टडिंग बाय मींस ऑफ पॉपुलेशन कि पॉपुलेशन में ही हमें डिफरेंट काइंड के जीन्स मिलेंगे या एलील्स मिलेंगे ठीक है जिसके बेसिस पे हम जेनेटिक्स को पढ़ेंगे कारण क्या है दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोलॉजी का और लिंक करता है बहुत सारी साइंसेस को ठीक है तो दिस आर थ्री मेन ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स नाउ वी स्टार्ट विद व्हाट इज रिगार्डिंग द जेनेटिक्स ड्यूरिंग द व्हाट आर वेरियस थ्योरीज बिफोर मेंडल मेंडल के इंट्रोडक्शन से पहले व्हाट वर द साइंटिस्ट हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्मुलेशन ऑफ जेनेटिक्स जेनेटिक्स के कुछ प्रिंसिपल या करेक्टर्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं उन्होंने किस तरह से बहुत सारे प्रयास किए कैसे कैसे कोशिश की बताने की लेकिन फिजिकल बेसिस उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि जीन्स ही हैं ठीक है वो अब हम देखते हैं कि किस तरह से दे ट्राइड देयर बेस्ट टू एक्सप्लेन दी ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन तो जस्ट बिफोर मेंडल देयर वर सम थ्योरीज दे वर बेस्ड ऑन सम ब्लेंडिंग ब्लेंडेड प्रिंसिपल इसलिए उनको हम ब्लेंडेड थ्योरीज बोलते हैं ब्लेंडेड थ्योरीज का क्या मतलब है कि वट वेन एवर देयर इज़ ए ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग्स द करेक्टर्स दे आर मिक्सड वो मिक्स हो जाते हैं जब भी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेवल करते हैं तो इस पूरी थ्योरी को हम क्या नाम दिया गया ब्लेंडेड थ्योरी ऑल्दो देयर वॉज नो फिजिकल बेसिस ड्यूरिंग दैट टाइम उस टाइम कोई भी फिजिकल बेसिस नहीं था दीज वर ओनली मियरली गैसेस और साइंटिस्ट ने दे ट्राइड देयर बेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू नो अबाउट दी वेरिएशंस कि वेरिएशंस कैसे आती हैं और कैसे करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं और किस तरह से न्यू इंडिविजुअल्स दे आर बीइंग फॉर्म फ्रॉम दी प्रीवियस वन तो मेन जो इस थ्योरी का नाम रखा गया ब्लेंडेड थ्योरी क्योंकि करेक्टर्स मिक्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते वक्त तो उसमें सबसे पहले ब्लेंडेड थ्योरी में द हिपोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल दे केम फर्स्ट कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि व्हाट वाज हिपोक्रेट्स नियर अबाउट 400 BC हिपोक्रेट ने 400 BC में बोला कि देयर आर सम पार्टिकुलेट कुछ ऐसे मटेरियल हैं दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे आर गोन टू द नेक्स्ट जनरेशन कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं बॉडी से रिप्रोडक्टिव फीचर्स हैं दैट आर ट्रांसमिशिव
transmitted from one generation to the another generation. कि कुछ ऐसा matter है वो पूरे body parts से parents के transfer होता है एक generation से दूसरी generation में जाने में. ठीक है, तो इसको तो Hippocrates ने बोला था लेकिन Aristotle ने totally इसको discard कर दिया. उसने कहा कि these are not some material that are produced from all part. Instead they are taken from the nutrients, कि कुछ ऐसे nutrients, special nutrients होते हैं, whatever nutrients they are taken by organisms. Organism जो भी nutrition लेते हैं, तो उसके जितने भी nutrients हैं, they divert to different pathway. वो अलग-अलग pathway adopt करते हैं, और reproductive pathway से related different nutrients होते हैं, that are handed over to the next generation. कि जो reproductive path से nutrient ट्रांसफ़र होते हैं दैट आर हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो इस तरह से एरिस्टोटल ने हिप्पोक्रेट्स को डिस्कार्ड कर दिया. ठीक है, ऑल दो बोथ ऑफ देम कि जितने भी हिप्पोक्रेट्स थे, हिप्पोक्रेट्स ने तो कहा था कि पूरे बॉडी पार्ट से ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन एरिस्टोटल ने किस बेसिस पे कहा कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो भी है समटाइम्स वो अपने पेरेंट्स के बजाय ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा रिजेंबल करती है. तो इसलिए उसने न्यूट्रिएंट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस किया. ठीक है, लेकिन ये भी एक मियरली गेस था जो कि टोटली डिस्कार्ड कर दिया गया एंड दिस थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड नाउ. लेकिन इतना तो जाना जा चुका है कि समथिंग इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, कि इसका एक ठोस आधार तो उस वक्त पता नहीं चला, लेकिन ये तो इतना तो गेस लगाया जा चुका था कि समथिंग वाज ट्रांसफर्ड, कि कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, तो इस थ्योरी के डिस्कार्डेड के बाद देयर वाज अनदर थ्योरी दैट केम प्री फॉर्मेशन एंड एपिजेनेसिस. अब इस थ्योरी के दौरान what was considered कि there are something that has been formed, कि there was a scientist whose name was Dutch biologist था जे स्वामेंद्रम. Dutch biologist जे स्वामेंद्रम, उसने क्या कहा कि बॉडी में कुछ फॉर्म्स में देयर आर सम प्री फॉर्म्ड माइन्यूट पार्टिकल्स, कुछ ऐसे स्मॉल इनविजिबल माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जिसको कि उसने होम्यून क्यूल का नाम दिया. क्या नाम दिया? होम्यून क्यूलस नाम दिया. कि ये जो इनविजिबल पार्टिकल हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के फॉर्म में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म्स और इन द फॉर्म ऑफ ओवम्स की फॉर्म में ये ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन. कि जो होम्यून क्यूल नामक कुछ पार्टिकल्स हैं दे आर प्रोड्यूस बाय दी पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, चाहे वो ओवम है चाहे वो स्पर्म है. जो लोग ओवम को बिलीव करते थे तो उन्होंने ओवम पे स्ट्रेस किया, और जो स्पर्म को बिलीव करते थे तो उन्होंने कहा कि स्पर्म से नेक्स्ट जनरेशन में दीज प्री फॉर्म स्ट्रक्चर्स जो ऑलरेडी बन चुके होते हैं एंड दे आर वेरी स्मॉल, लेकिन जब उनकी डेवलपमेंट होती है नेक्स्ट जनरेशन में दे बिकम एनलार्ज एंड दे डेवलप्ड इनटू ए कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल, कि एक नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाते हैं. और वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म्स और इन द फॉर्म ऑफ ओवम. लेकिन इसको भी डिस्कार्ड किया गया. उसके बाद देयर वाज ए साइंटिस्ट, आपको मालूम है कि एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक आया, कि उसने बहुत सारी डिस्कवरी की हैं. तो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने क्या कहा कि उसने उस वक्त किसकी डिस्कवरी कर ली थी? स्पर्म्स की. तो उसने कहा कि दीज प्री फॉर्म स्ट्रक्चर्स दे आर स्पर्म्स, कि स्पर्म्स की फॉर्म में नेक्स्ट जनरेशन में दीज एनिमल क्यूल लाइक स्ट्रक्चर, स्पर्म्स को उसने क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल्स. और यही एनिमल क्यूल्स क्या जाते हैं? नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं एंड दे डेवलप्ड इनटू कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म. तो अकॉर्डिंग टू ल्यूवेनहॉक दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स वर एनिमल क्यूल्स, बट अकॉर्डिंग टू दिस जे स्वामेंद्रम दीज वर होम्यून क्यूलस. बट लेटर ऑन बोथ ऑफ दीज वर डिस्कार्डेड बिकॉज देयर वॉज ए थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस दैट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई के वुल्फ. देयर वॉज ए साइंटिस्ट हुज नेम ऑफ के डब्ल्यू वुल्फ. उसने क्या कहा? के डब्ल्यू वुल्फ ने कहा कि दीज एनिमल और एनिमल क्यूल्स और ह्यूमन क्यूल्स नहीं होते, इंस्टेड स्पर्म्स एंड ओवम्स देयर आर सम एंड डिफ्रेंशिएटेड मासेस
दैट आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ गैमीट्स, कि मेल एंड फीमेल की बॉडी में कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड मास बनता है जो लेटर ऑन फीमेल में स्पर्म सॉरी ओवम कहलाता है एंड मेल में स्पर्म, एंड व्हेन दे फर्टिलाइज देन ए न्यू जनरेशन इज स्टार्टेड. तो वो नई जनरेशन स्टार्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द इपिजेनेसिस. उसने इसको किसका नाम दिया, थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस, कि देयर आर सम ऑर्गन्स दैट आर फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड स्टेप बाय स्टेप ऑर्गन फॉर्मेशन होती है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऑर्गन फॉर्मेशन इज देयर अकॉर्डिंग टू द इपिजेनेसिस. इपिजेनेसिस के दौरान क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड गैमीट्स व्हेन दे फर्टिलाइज, जब वो फर्टिलाइज करते हैं तब नेक्स्ट जनरेशन आती है. ठीक है, एंड स्लो एंड सीक्वेंस में ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू केन वुल्फ. एंड इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया, इपिजेनेसिस. ठीक है, तो उसके बाद देयर वॉज अनदर साइंटिस्ट लेमार्क आया. ठीक है, तो लेमार्क वॉज ए क्या था, इट वॉज ए लेमार्क वॉज ए इट बिलोंग टू ए फ्रेंच नेचुरलिस्ट. किससे बिलोंग करता था, फ्रेंच था, फ्रेंच नेचुरलिस्ट था, और उसने लेमार्किज्म प्रोड्यूस किया. फ्रेंच नेचुरलिस्ट डेन बापिस्टी लेमार्क वाज नेम ऑफ दिस नेचुरलिस्ट. इसकी थ्योरी को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही. उसने थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स दिया, कि सम ऑर्गन्स दे आर प्रोमिनेंट, दे आर मोस्ट कॉन्स्टेंटली फॉर्म, एंड सम ऑर्गन्स दे आर नॉट प्रोमिनेंट, दे आर नॉट फॉर्म, कि वो नहीं बनते. लेकिन इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया. लेटर ऑन डार्विन केम, तो डार्विन ने क्या कहा, उसने भी लेमार्किज्म की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया. और डार्विन के दौरान उसकी जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन बहुत ज़्यादा फेमस थी. और डार्विन ने ही कहा कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस स्मॉल गैम्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, कि जितने भी कुछ स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस गैम्यूल्स और पेंजीन्स आर फॉर्म, एंड दीज पेंजीन्स दे आर फॉर्म फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी पार्ट से बनते हैं, एंड दीज आर ट्रेवल्ड इन टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर ये रिप्रोडक्टिव में चले जाते हैं, एंड देन दे आर कम्प्लीटली डेवलप्ड इन टू स्पर्म्स एंड ओवम, मेल में स्पर्म्स एंड फीमेल में ओवम, एंड वेन दे फर्टिलाइज देन द नेक्स्ट जनरेशन कम. तो दिस थ्योरी वॉज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस अकॉर्डिंग टू डार्विन. लेकिन सबका कोई फिजिकल बेसिस नहीं था, ऑल दीज वर मियरली गैसेस. ये एक तरह के गैसेस थे जो टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते रहे. ठीक है, लेकिन दे वर ऑल सेइंग दैट देयर आर सम पार्टिकुलेट मैटर दैट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड. ठीक है, जीन्स की उस वक्त नॉलेज नहीं थी किसी को, लेकिन उस वक्त डार्विन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. तो डार्विन की इन्फ्लुएंस के कारण मेंडल को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा, दैट वी विल बी लुकिंग एट कि किस तरह से मेंडल सक्सेस हुआ, कब हुआ. तो जब हम मेंडल पढ़ेंगे वो अब हम तो दैट वी विल कम टू नो लेटर ऑन. ठीक है, तो डार्विन के अकॉर्डिंग व्हाट वाज देयर, देयर वर सम गैम्यूल्स और पेंजीन्स दैट आर फॉर्म फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे मूव टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड देन दे फॉर्म द स्पर्म्स एंड ओवम एंड व्हेन दे फर्टिलाइज देन न्यू स्ट्रक्चर और नेक्स्ट जनरेशन इज फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस. इसको किसका नाम दिया गया, पेनजेनेसिस का. एंड उसके बाद देयर वॉज ए साइंटिस्ट ऑगस्ट वेसमैन, उसने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज रखी थी. उसने कहा था कि करेक्टर्स दे आर ट्रांसफर्ड व्हेन दे आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, कि रिप्रोडक्टिव सेल्स से ही करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि वेरिएशंस जो होती हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स से एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में जाती है. इफ़ दे आर प्रेजेंट इन सोमेटिक सेल्स दे विल नेवर मूव. ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने दे वॉक डिफरेंटली एंड दे कंक्लूडेड इन वॉट मैनर लाइफ वॉज स्टार्टेड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन एंड इट फॉर्म ए वेरी स्मॉल फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट हैपन्ड ड्यूरिंग द मेंडल, कि मेंडल की हिस्ट्री क्या है, मेंडल कौन था, इन व्हाट मैनर ही वॉज कॉल्ड, वाई ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, और पूरा चैप्टर दैट इज गोइंग टू स्टार्ट, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन वर्क ऑफ मेंडल दैट वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ.